और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मोहाली एमएमएस कांड की जांच अब एसआईटी करेगी। बड़ी खबर यह है कि अब सीएम ने 3 सदस्यीय एसआईटी के गठन के निर्देश दे दिए हैं और इस जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी में सभी महिलाएं होंगी। आपको बता दें एसआईटी की ये टीम साजिश की तह तक जाएगी, सीएम मान की तरफ से ये कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि दोषी पाए जाने पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि मामले में अब तक एक छात्र समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर बड़ी खबर है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री मान की तरफ से पूरे मामले पर आया बयान, जहां उन्होंने कहा कि एसआईटी पूरे मामले की तह तक जाएगी। जिस तरीके से पूरे मामले पर हो रही है इन्वेस्टिगेशन, हमारे सहयोगी मोहाली से जितेंद्र शर्मा इस पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र, नई जानकारी फिलहाल पूरे मामले पर अभी तक लेटेस्ट अपडेट है क्या, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले की जांच हो रही है, अलग अलग थ्योरीज भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए 3 सदस्य टीम बनाई गई है और ये खास बात है कि इन जो 3 सदस्य टीम है इसमें महिलाएं अधिकारी हैं। एडीजी जो हैं, जिनका नाम गुरप्रीत देव है, उनको इस टीम का हेड करने का जिम्मा दिया गया है और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। टीम तह तक जाएगी। जो स्टूडेंट्स के आरोप है कि 50 से ज़्यादा लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियोज़ बनाए गए, उसको भी तह तक जाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जल्द आएगी। कोशिश होगी एसआईटी की कि जो गिरफ्तार 3 आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जा सके, ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके कि आखिरकार जो आरोप स्टूडेंट्स की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लड़कियों के वीडियोस बनाकर उनको आगे भेजा गया था, उन दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल जो आरोपी हैं उन दोनों को, ठीक ये जो आप ठीक सामने ये खरड़ इलाके के अंदर सदर थाना देख रहे हैं, यहीं पर इनको रखा गया है, जहाँ गिरफ्तारी के बाद यानी कि हिमाचल से लाने के बाद जो दोनों लड़के हैं उनसे लगातार यहाँ पूछताछ की जा रही है और अब से कुछ देर बाद इन्हें यहाँ से जो खरड़ कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाएगा। क्या कहा जाता है और पूरे मामले में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है, इस पर जरूर नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा छात्रों की तरफ से भी हुआ और साथ ही यूनिवर्सिटी कैंपस में जिस तरीके से पुलिस की टीम पहुंची है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता मोहित और साथी जितेंद्र, जिस तरीके से पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, ना सिर्फ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं, वो जगह हमने आपको दिखाई जहां पर अभी फिलहाल दोनों आरोपियों को रखकर पूछताछ हो रही है, वहीं अब कैंपस की, यूनिवर्सिटी कैंपस की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स वापस अपने घर जा रहे हैं। हालांकि हालात को देखते हुए स्टूडेंट्स को फिलहाल अभी समझा लिया गया है, स्टूडेंट्स का ये आंदोलन फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन 6 दिनों तक अभी यूनिवर्सिटी को बंद रखने का फैसला लिया गया है और ये तस्वीरें भी हमारे सामने कि किस तरीके से छात्र अब अपने घरों का रुख कर रहे हैं। इस बीच मोहाली एमएमएस कांड पर बड़ा दावा और बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है, जहां मोहाली कांड की पीड़ित लड़कियों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब उन्हें विदेशों से भी धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित लड़कियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें चुप रहने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही बड़ी बात यह है कि अगर हम चुप नहीं रहे, अगर अपना मुंह बंद नहीं रखा, तो वीडियोस वायरल करने की धमकी दी जा रही है। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, जो अब दावा पीड़ित छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस दावे को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन अब हम आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पीड़ित छात्रों की तरफ से हो रहे हैं दावे, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन यहां हम देना चाहेंगे, जहां विदेश से धमकी को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड पर यह हैरान करने वाला खुलासा खुद वहां की पीड़ित स्टूडेंट्स कर रही हैं। और मोहाली एमएमएस कांड में जिस तरीके से ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसके तहत ये बड़ा दावा उन लड़कियों की तरफ से किया जा रहा है जिन्हें विदेशों से आ रहे हैं फोन कॉल। लड़कियों ने ये कहा है कि विदेशी नंबर से फोन पर उन्हें अब धमकियां मिल रही हैं। कौन दे रहा है ये धमकी, बड़ा सवाल है। हालांकि ये इंफॉर्मेशन भी सामने आई है कि कनाडा के कैंटोबा से ये धमकी भरे कॉल्स लड़कियों को लगातार आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है, ये एक नंबर भी डिस्क्लोज किया गया है विदेश, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विदेशों से ये कॉल आ रहे हैं, ये एक नंबर भी डिस्क्लोज कर दिया गया है जिसके तहत ये पता लग रहा है कि इस फोन नंबर से लगातार लड़कियों को धमकियां मिल रही हैं, जहां उन्हें कहा जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखें, चुप रहने के लिए उन्हें कहा जा रहा है और अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो उनके वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। यानी चुप नहीं रहने पर वीडियो वायरल करने की इन लड़कियों को अब धमकियां मिल रही हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इस आधार पर भी करनी होगी कि आखिर ये पूरा क्या कोई नेक्सस है, क्योंकि विदेशों से धमकी आना, चुप रहने के लिए कहना और इस आधार पर कहना कि अगर मुंह बंद नहीं रखा तो वीडियोस वायरल।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे इस मामले का खुलासा हुआ उसके बाद बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ठीक सामने इकट्ठा हुए और वहाँ पर जाकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ लड़कियों का ऐसा दावा है कि उनको विदेशों से कॉल आए, खासतौर से कैनेडा से अननोन नंबर से एक कॉल आए जिसमें उन्हें कहा गया है कि अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया या अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसके बाद उनका जो वीडियो है उसको वायरल कर दिया जाएगा। तो ऐसी धमकी लगातार उनको मोबाइल फ़ोन पर मिल रही थी जिसको लेकर कुछ लड़कियों ने इन धमकी भरी कॉल्स को रिकॉर्ड भी किया और उसको बाद में जो कॉलेज प्रशासन है, जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है, उसको सौंपा गया। तो फिलहाल इस एंगल पर भी अब पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। जो SIT है वो लगातार जानने की कोशिश करी कि अगर इस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है और कौन लोग इस तरीके के धमकी भरे जो फोन कॉल है उनको करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन मामले पर हो रही जांच के बाद सीएम पंजाब के आदेशों तो बाद इस दा हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member ऑल वोमेन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विच विल कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरप्रीत देव सीनियर IPS ऑफिसर। एंड आई वॉन्ट टू मेक टू एश्योरेंसेस टू द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। फर्स्टली we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people, and secondly we would get to the bottom of this matter, we would investigate deeply, whoever is involved will not be spared, nobody in this case will be spared, investigations are going on a day to day basis. Ek main appeal bhi karunga ji that everyone should maintain calm and peace and do not listen to rumors. A lot of content is going on social media which is sometimes unverified, uncorroborated. So I would say that look at authentic channels for information and जांच के बाद पुलिस भी बता रही है किस तरीके से 3 महिला सदस्यों की ये SIT गठित की जा चुकी है और उस बात की अश्योरेंस देने की कोशिश की जा रही है कि मामले की तह तक जरूर जाएंगे। लेकिन इस बीच मोहाली MMS कांड पर जो बड़ी खबरें आ रही है वो TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, क्योंकि इस बीच चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से भी एक्शन को लेकर खबरें आई, जहां यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 7-सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और इस बीच जांच के लिए कमेटी में 2 छात्रों को भी शामिल किए जाने को लेकर खबर है। हालांकि इस कमेटी की अध्यक्षता वुमेन सेल की अध्यक्ष आशिता चड्ढा ही करेंगी और हॉस्टल के 2 वार्डन्स को भी इस पूरे मामले में फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं और जो कैंपस में हालात थे उसके तहत स्टूडेंट्स के बीच एक अश्योरेंस देना फिलहाल एक प्राथमिकता थी और यही पुलिस भी कह रही है कि अगर इसके पीछे जितने भी लोग हैं उसकी तह तक जाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन और इसके अलावा पुलिस की यही कोशिश है कि जो कल माहौल यूनिवर्सिटी के ठीक गेट पर या अंदर बना रहा, यानी कि जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने हज़ारों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट किया, वो माहौल अब दोबारा न बन पाए। तो इसीलिए कल खुद जो इलाके के DIG हैं वो मौके पर पहुँचे, इसके अलावा DC मौके पर पहुँचे, कॉलेज प्रशासन वहाँ पर मौजूद था और इन सभी ने बाकायदा जो वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे उन सभी का लिखित में उनकी डिमांड ली और बाद में उनको एश्योर भी किया कि जो भी वो जाँच जिस तरीके से भी चाहते हैं वो तमाम एंगल पर तफ्तीश की जाएगी ताकि आगे से ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना हो पाए। तो फिलहाल कोशिश यही कि स्टूडेंट्स को शांत कर रखा जाए और साथ ही साथ पैरेलल जो इंक्वायरी चल रही है, जो तफ्तीश चल रही है, उसको आगे बढ़ाया जाए, जानने की कोशिश की जाए जो स्टूडेंट्स का दावा है उन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ और लड़कियों के इस तरीके के आपत्तिजनक वीडियो शूट करके उनको आगे फॉरवर्ड किया गया। तो ये जानना सबसे अहम इस वक्त SIT के लिए होगा। दूसरी कोशिश ये होगी बड़ी बात है तरीके से माहौल, लेकिन नजर बनाए रखें, थोड़ी देर में आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी होनी है, इस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।